कुमार के बारे में क्या सोच? नीतीश कुमार के विषय में तो चोर डकैत सब खड़ा होल है, तब उसको चोर डकैत के दे चाहे ललन सिंह को। चुनाव में तो अबर महागठबंधन का है। महागठबंधन? हाँ हाँ हाँ, 100% यहाँ है, उसी का है। अगर आरजेडी का सरकार रहेगा तो बिहार में जरूर नौकरी मिलेगी। कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अभी इधर नहीं पड़े? ले लिए अब तो, ले ऐसा कहाँ अभी लिए हैं? ले लिए कहे कि हम गारंटी देते। 3 बार तो हो गया सर। बिहार तो बीजेपी के तरफ। बिहार में जातिवाद है, ये है तो सब अपना जातला मरता है, हम भी अपना जातला मरते हैं। तो बड़ा है, यहाँ वैक्सीन दिलवा दिए, कोरोना में फिर दिलवा दिए, तो क्या खेत बेच के दिलवा दिए कि जनता के टैक्स से रुपए बस दिलवाए? आज तक बहुत नेता बने, बहुत आए, बहुत गए, राम मंदिर कोई नहीं लाए। सरकार क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं। मंदिर जो बन गया इसके लिए ही बार भी मोदी जय जय। जीत चाहिए तो जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं का शेड्यूल टाइट है, रैलियों का रेला है, वादों और दावों का शोर है, मुद्दों की भरमार है, विजय श्री की यही दरकार है। एबीपी न्यूज पर आपने यूपी का मूड देखा, लेकिन सर्वे की तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार को लेकर एबीपी का नया सर्वे आया। तेजस्वी की हवा है या नीतीश ही दवा है? जनता मोदी के साथ है या कहीं पेच फंसा है? एबीपी के लिए सी वोटर का सर्वे क्या कहता है? गौर किया ना आपने, सर्वे में मोदी अव्वल, लेकिन नीतीश के लिए मुश्किलों का पहाड़ है, परेशानी है। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, भाव तो यही है। मतलब चुनाव सिर पर है और प्रधानमंत्री के सामने चुनौती बढ़ी, इसीलिए सवालों का कैनवस भी बड़ा है। नीतीश से नाराजगी के बावजूद जीत कैसे दिलाएंगे मोदी? जेडीयू का वोट कैसे ट्रांसफर कराएंगे मोदी? क्या नीतीश के इमेज को मोदी अपनी गारंटी से छिपा देंगे? नीतीश कमजोर कड़ी, मोदी की कैसे होगी जीत बड़ी? अब जो बात सर्वे में दिखती है, जमीन पर उस तरह की सिचुएशन है भी या नहीं? हमारे संवाददाता श्रीनिवास देश का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, जनता का मन टटोल रहे हैं। इस बार उनके डेस्टिनेशन मुंगेर। नए किरदार आते जा रहे मगर नाटक पुराना चल रहा। जी हाँ, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज के सियासत पे बिल्कुल फिट बैठता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ चलेगी मोदी की गारंटी, दिखेगा मोदी फैक्टर का असर, या फिर मुद्दे होंगे कुछ और। बिहार का वही मुंगेर जिसे बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाया, अब वक्त बदला और मुंगेर का मिजाज। मुंगेर लोकसभा सीट से नीतीश के करीबी ललन सिंह उम्मीदवार है, बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता उर्फ डॉली लालटेन की लौ में जीत की रोशनी ढूंढ रही, मगर जनता का मूड क्या है? चुनाव में तो अबर महागठबंधन का है। महागठबंधन? हाँ। अरे यहाँ तो नीतीश बाबू के खास ललन बाबू हैं। ललन बाबू क्या किए हैं क्षेत्र में? कोई काम किए हैं? दौरा करते हैं, कहीं भी जाते हैं? किसके पास कौन सा काम किया? हाँ। नीतीश जी तो कह रहे थे हम मुख्यमंत्री। जो पलटू चाचा है, जो कभी इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया, उसका क्या गारंटी है जी? वो तो एकदम पलटू चाचा हो गया। तो मोदी जी का गारंटी है? मोदी जी की गारंटी मोदी जी देखिए, अगर आरजेडी का सरकार रहेगा तो बिहार में जरूर नौकरी मिलेगा। क्या कह रहे थे भैया? हाँ, बोल रहे थे कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अभी इधर नहीं पड़े। ले लिए अब तो ले लिए। ऐसा कहाँ अभी लिए है? ले लिए कहे कि हम गारंटी देते हैं। 3 बार तो हो गया सर। गुस्सा नीतीश पर है, ललन सिंह पर है,
इसीलिए तेजस्वी को एडवांटेज है। लेकिन मोदी का मीटर क्या कहता है? सीएम नीतीश और पीएम मोदी के काम से बिहार की जनता कितनी मुतमईन है? मतलब नीतीश के लिए एक और बुरी खबर। इसी चुनौती से मोदी को पार पाना होगा, क्योंकि मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आखिरी वक्त में चुनाव बदलने का मानता रखते हैं। क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? नीतीश के खिलाफ जो माहौल है उसे बीजेपी काउंटर कर सकेगी? हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास की पड़ताल जारी। तो ये बताइए, मतलब तो भूमिहार का रुख किधर जा रहा है? भूमिहार तो बीजेपी के तरफ है। मतलब सिर्फ जात के नाम पे? हाँ। तो काम वाम मुद्दा नहीं है? काम मुद्दा तो है ये, लेकिन यहाँ के एमपी काम करिंदे है ये नहीं। ललन बाबू? हाँ। राजीव रंजन सिंह? हाँ। काम नीतीश कुमार का खास? हाँ, वो काम करने वाला आदमी नहीं है। चंद महीने पहले मोदी की बुराई करने वाले अब गुणगान कर रहे हैं? हाँ। तो हम लोग तो इच्छो नहीं करता है कि ललन सिंह के वोट दे, लेकिन तब भी दीजिएगा। लेकिन लाचारी वोट होगा तो दे रहे। क्यों, ऐसी क्या लाचारी है? अब लाचारी एक तरफ भी तो आप कह रहे हैं कि आप देखना भी नहीं चाहते ललन सिंह को, लेकिन वोट सिर्फ इसलिए देंगे कि भैया बीजेपी को देना है, चूंकि भूमिहार बीजेपी को दे रहा है। हाँ हाँ, बिहार में जातिवाद है ये है तो सब अपना जात ला मरता है, हम भी अपना जात ला मरते हैं। क्या मिलेगा जात पे मरने से? बिना जात पर मरने से क्या मिलेगा? हम छोड़ के विधानसभा लोकसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। ललन बाबू पहचानते हैं आपको? नहीं, वो तो बहुत खराब आदमी है। तो वही खड़े हैं ना? हाँ खड़ा है, लेकिन की करिए, ओकरे वोट बाद में लाचारी है, मजबूरी में गलो हूँ। चाय की चुस्की पर सियासत के चटकारों का मजा कुछ और ही होता है। कहीं भी चले जाइए, जब चुनाव की बात छिड़ेगी तो लोग अपने अपने कैंडिडेट और पार्टी को जमकर डिफेंड करते हैं। हालांकि इस बार तो मुद्दा सीएम नहीं, पीएम। सर्वे में ये सवाल भी था। बिहार के मूड में मोदी की पॉपुलैरिटी का मीटर बहुत ऊंचा है, तो क्या मुंगेर की जनता भी उन्हीं को पीएम के तौर पर तीसरी बार देखना चाहती है? मुंगेर का मूड क्या कहता है? आज जिस चाय की दुकान पे मैं मौजूद हूँ तो सोचा क्यों ना चाय वाले से ही बात कर ली जाए। वैसे भी हिंदुस्तान में लगभग पिछले 1.5 दशक से अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो चाय वाले की चर्चा है। समय माहौल आता है वोट देने का तो लोग का जिनका ज्यादा झुका होता है उन्हीं की तरफ हम भी झुक जाते हैं, चूंकि हमारे पास कोई संख्या है नहीं जाति का। मोदी जी तो बड़ा यहाँ वैक्सीन दिलवा दिए कोरोना में, फिर दिलवा दिए तो क्या खेत बेच के दिलवा दिए कि जनता के टैक्स से रुपये दिलवाए? 5 किलो नजवा दे रहे, तेलवा कहाँ है, गैसवा कहाँ है, तक कितना के हाथ में लिए थे? 301 रुपया दिया था कांग्रेस, आज क्या करके रखे हैं? के रुपया डीजल है, के रुपया तेल है, पेट्रोल है, बताइए आप। ये सब मुद्दा रहता है तो मुद्दा रहेगा ना एकदम भैया, तो आप नहीं रखिए। यहाँ तो जात पात वाला मुद्दा रहता है। नहीं नहीं, जात पात का मुद्दा नहीं, काम के मुद्दा में आइए भैया। चलिए, कुछ ऐसे भी लोग है भैया बहुत नाखुश है, कह रहे हैं नोटा।